जहां लागू है शरिया कानून वहां संविधान मानने वाले मोदी क्यों गए? क्या मुस्लिमों को कोई मैसेज देना चाहते? जहां ना इंदिरा गांधी गई ना वाजपेयी, वो छोटा सा मुल्क भारत के लिए क्यों हुआ जरूरी? चीन से जुड़ी है पूरी कहानी। 16 लाख में बाल कटवाने वाले सुल्तान को जब मिले मोदी, कैसा था रिएक्शन? तस्वीरें देख पूछेंगे एक ही सवाल। जिस देश का ज्यादातर लोग नाम नहीं जानते, वहाँ मोदी अचानक से एस जयशंकर और डोभाल के साथ क्यों पहुँच गए? और वहाँ जाकर ऐसी कौन सी बात कह दी कि 190 करोड़ मुस्लिम बार बार मोदी का बयान सुनेंगे? पूरी कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। मुल्क का नाम है ब्रुनेई, जो दिल्ली से 7486 किलोमीटर दूर बसा एक आइसलैंड है, जहां मोदी जब 2 दिवसीय दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ मौजूद अधिकारी वहां की अमीरी देखकर दंग रह जाते। आलीशान महल से लेकर गाड़ियों तक पर हर तरफ सोना और हीरा जड़ा था। जब एयरपोर्ट पे मोदी के स्वागत में क्राउन प्रिंस पहुंचते हैं तो वहां सबसे पहले राजशाही की झलक दिखती है। जिस जगह पर मोदी खड़े हैं वहां के आसपास के खंभे सोने से जड़े नजर आते। उसके बाद मोदी की एंट्री आलीशान महल में होती है, जहां सोने के सिंहासन पर बैठकर ब्रुनेई के सुल्तान से मोदी दोनों देशों का रिश्ता आगे बढ़ाने की बात करते, 3 बड़ी डील करते और दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे लिए कोई भी देश बड़ा छोटा नहीं। करीब 4 लाख की आबादी वाला ब्रुनेई भी 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अमेरिका और ब्रिटेन। पर उस डील के बारे में बताएं, उसके पहले मोदी जिस महल में बैठे हैं उसकी खासियत सुन लीजिए। ये जगह इतनी भव्य है कि इसे दुनिया का सबसे आलीशान महल कहा जाता है। 20 लाख वर्ग फीट में फैले इस महल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, जहाँ 275 बाथरूम, 1788 कमरे, 5 स्विमिंग पूल, एक शानदार मस्जिद है। कभी भारत की तरह ही अंग्रेजों का गुलाम रहा ये देश इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि इसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से 13 गुना ज्यादा है। मतलब यहाँ रहने वाले लोग भारत से कई गुना ज्यादा अमीर हैं, और वो भी तब जब ये किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेता। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि यहाँ शरीयत कानून लागू है। यहाँ अगर कोलकाता की तरह कोई घटना हो जाए या फिर किसी ने चोरी कर ली तो उसे शरीयत के हिसाब से तुरंत सजा मिलती है। सुल्तान हसन बोलकिया, जो साल 1984 से यहाँ के शासक हैं, दिखने में भले ही पतले दुबले हों, लेकिन इनके फैसले कई मुल्कों को भी हिलाकर रख देते हैं। मोदी जब इनसे मिलने पहुँचते हैं तो देखकर ऐसा लगता है दोनों का याराना काफी पुराना है। हालांकि मोदी उसके बाद भी अपना तरीका नहीं बदलते। जब आसपास के लोग दुआ पढ़ रहे होते हैं उस वक्त मोदी हाथ जोड़कर बैठे होते दिखाई देते हैं। वो ब्रुनेई की धरती पे जहाँ 80% मुसलमान हैं, भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित करवाते हैं, सनातन संस्कृति के बारे में वहाँ के लोगों को समझाते हैं। पर ये मोदी के दौरे का सिर्फ ये मकसद नहीं था, बल्कि ब्रुनेई और भारत की कहानी काफी अलग है। मोदी क्यों गए ब्रुनेई, भारत को क्या मिलेगा, ये भी आपको समझाते हैं। भारत और ब्रुनेई की राजनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरा होने पर एनिवर्सरी बनाने के लिए मोदी को सुल्तान ने न्योता दिया था। ये देश डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के लिहाज से अहम है। ब्रुनेई में भारत का एक कमांड सेंटर भी है, जिसके बदले में हमारे वैज्ञानिक वहां के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं। अब दोनों देशों के बीच नया करार हुआ है, जिसके मुताबिक ब्रुनेई की राजधानी से चेन्नई तक सीधा विमान सेवा शुरू होगी। रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत के नौसैनिक भी बराबर ब्रुनेई का दौरा करते हैं। साउथ चाइना में भी ब्रुनेई का विवाद फिलीपींस की तरह ही है, जिसका मतलब है कि मोदी ने ब्रुनेई जाकर चीन को एक बड़ा संदेश दिया है। साथ में 57 मुस्लिम मुल्कों को ये भी बता दिया है कि हिंदुस्तान के लिए जो देश जरूरी होता है हम वहां जाएंगे और अपनी सभ्यता संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाएंगे।